हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया है कार्मिक रसायन और हिंदी मीडियम के साथ, एंड फर्स्ट लेक्चर आपको मिल चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो जाकर। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था कि कार्मिक रसायन होता क्या है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए जो भी कुछ हम पढ़ेंगे वो हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आपको कुछ हेडिंग्स है ना, कुछ वर्ड्स जिनके आपके इंग्लिश में भी नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम सर क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। ठीक है, एंड हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि किस तरीके से कार्बनिक रसायन का उद्भव हुआ, कैसे मेरे पास इसका इतिहास था। ठीक है, आपको याद होगा कि जो मेरे पास जैव शक्ति सिद्धांत है ना, वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी तो आपको काफ़ी आनंद आया होगा कि कैसे कार्बनिक रसायन का एक स्टार्ट हुआ है ना। ठीक है, तो पिछली क्लास तक हमने पढ़ा तो वहाँ तक ना चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी है ना। जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार ठीक उसको हटा दिया गया था, अस्तित्वहीन कर दिया गया था, तो अब किसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ तक हमने रखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक किन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी तो वहाँ तक हमने इतना रखा था, और आज हम ये समझने वाले हैं कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, और इस टॉपिक्स में आगे चलते हुए हमें क्या क्या देखना है। ठीक है, तो अभी भी अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर आप देख लेना। ठीक है, वहाँ पर सारी बातें स्टार्टिंग की हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपको तो पता ही ना कि आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, मैं आपको समझाता चलूँगा, लिखवाऊँगा, बोर्ड पे ड्रॉ करूँगा है ना, स्ट्रक्चर्स वगैरह। ठीक, जैसा जैसा मैं आपको कहूँगा वैसे वैसे आपको करते रहना है। ठीक है, तभी आपकी और हमारी जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, मैं एक एक चीज़ आपको लिखवाता रहूँगा, समझाऊँगा, लिखवाऊँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंड मैं देखूंगा कि आपको कोई भी डाउट ना रहे है ना। नॉर्मली जो डाउट्स होते हैं बच्चों के मन में, वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करता हूँ यहीं पर चलूँगा। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है ना, कार्बनिक रसायन। देखिए नॉर्मल मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, कार्बनिक रसायन। ठीक है, अपने 11th क्लास में जो अपना पहला चैप्टर है इससे रिलेट करता हुआ, जिसका नाम आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स है ना, कार्बनिक रसायन है ना, कुछ मूलभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। ठीक है, जो हिंदी में नाम है इसका। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से, आज का पहला लेक्चर है ना, मतलब आज का पहला टॉपिक जो कि है ना, व्हाट इज कार्बनिक यौगिक, यानी कि है ना कार्बनिक, हाँ जी यौगिक। तो गुरुजी, पिछली क्लास में तो आपने रखा कि जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार हमने कार्बनिक यौगिक की परिभाषा बताई। ठीक, फिर आपने समझाया था कि सर जैव शक्ति सिद्धांत का अस्तित्वहीन हो गया क्योंकि सर यूरिया बन गया था लैब में, आपको याद हो कि लैब में कुछ नहीं बनता था इनके अनुसार। ठीक है, लेकिन लैब में यूरिया बन गया तो इनका जो सिद्धांत था वो अस्तित्वहीन हो गया, तो अब कार्बनिक यौगिक के बोलने का रीज़न ख़त्म हो गया था, तो हम किनको बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखिएगा, आज की हेडिंग लिखिएगा कार्बनिक यौगिक है ना, ब्रैकेट में ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक है ना कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, चलो आप इतना लिख लें हेडिंग। ठीक है, कार्बनिक यौगिक ब्रैकेट में ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इतना लिख लिया, अब एरो लगा के हम लिखेंगे, अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना लिख लिया, अब लिखिएगा इसके नीचे एरो लगा के लिखिएगा है ना, लिखिएगा सभी हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब फिर से एक अलग नाम, ठीक, देखिए मैं आपसे बोल दे रहा हूँ कई बार मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है। ठीक है, तो मैं बोल सही रहा हूँ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब जैसे कि कहीं पर छोटे यू की मात्रा, बड़े यू की मात्रा है ना, आधा सा, छोटा हो, बड़ा हो, ये सब आप संभाल लेना। ठीक है, ये सब आप संभाल लेना है ना, ये सब। तो मैंने बोला कि सभी हाइड्रोकार्बन्स तथा उसके संभावित व्युत्पन्नों को, ठीक है लिखिएगा यहाँ से, सभी हाइड्रोकार्बन्स तथा संभावित व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। सभी हाइड्रोकार्बन्स तथा संभावित व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। इसके आगे लिखिएगा,
आगे लिखिएगा, किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ ना वही आपको लिखना है, ये बोर्ड पे मैं आपको समझाने के लिए अपने लिए लिख रहा हूँ ये सब, ठीक। तो क्या बोला सर आपने, है ना, आपने ये बोला, ठीक है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में, है ना, कार्बन तथा हाइड्रोजन सदैव विद्यमान रहते हैं, कार्बन तथा हाइड्रोजन सदैव विद्यमान रहते हैं, सदैव विद्यमान रहते हैं, ठीक। अब लिखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिएगा, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते समय यदा कदा तत्व जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन, है ना, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। तो यदा कदा तत्व जैसे ये सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ सकते हैं, यदा कदा तत्व जैसे ये सब आ सकते हैं, ठीक। अच्छा, इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं हैलोजन, है ना, इन सबको समूह में नाम हैलोजन, है ना, और हैलोजन को हम लोग एक्स से शो करते हैं, एक्स से। तो हमारे ज़िंदगी में सर एक नया नाम जुड़ गया, हैलोजन। ये वही है क्या सर जो हैलोजन बल्ब जलता है? नहीं, हैलोजन जो जलता है ना बल्ब, वो अलग चीज़ है, ठीक है। अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में हैलोजन बोलने का मतलब सर ये ग्रुप 17 वाला है ना, अगर आपको याद हो आवत सारणी, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें हम बोलते हैं हैलोजन, ठीक। तो मैं कहा था, है ना, जैसे ये तत्व आ सकते हैं जो मैंने बोल के लिखाया है, ठीक। तो डेफिनेशन ये है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन से तथा इसके व्युत्पन्न जो हैं, तथा इसके व्युत्पन्न, अभी मैं आता हूँ हर एक बातों पर, व्युत्पन्नों को, है ना। तो कार्बनिक यौगिक की जो मोस्ट मॉडर्न डेफिनेशन है ना, जो सबसे आधुनिक परिभाषा है, वो क्या है कि जितने भी सर हाइड्रोकार्बन होते हैं और जो उसके व्युत्पन्न होते हैं, उन्हीं को मैं सर क्या बोलता हूँ, कार्बनिक यौगिक। यानी कि सर कार्बनिक यौगिक तथा कार्बनिक यौगिकों के व्युत्पन्नों को हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स तथा उनके व्युत्पन्नों को हम सर क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। और जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे होंगे, यानी कि जब हम कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे होंगे, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन हमेशा विद्यमान रहता है। इस बात पे हम लोग थोड़ा सा मार्क करेंगे कि कार्बन तथा हाइड्रोजन हमेशा रहता है, है ना, किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन हमेशा ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कभी कदार ये सारे तत्व भी आ सकते हैं, कभी कदार ये सारे तत्व भी आ सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है और उसके व्युत्पन्न क्या होता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक किन्हें बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स तथा उनके व्युत्पन्नों को हम क्या बोलते हैं सर, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स और उसके व्युत्पन्न का मतलब क्या है उसको हम समझ लेते हैं, तो हम यहाँ पर फिर से आएंगे, ठीक। तो अब सेकंड हेडिंग लिखिएगा, मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, जीरो से हीरो हम बनेंगे, जीरो से हीरो, ठीक है। सेकंड हेडिंग लिखिएगा हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। हाँ जी, 45 मिनट के आसपास लेक्चर रहेगा, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। इसमें आप लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, है ना, वे यौगिक हाइड्रोकार्बन्स में लिखेंगे हम सर, ठीक, वे यौगिक, है ना, जिनमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन विद्यमान रहते हैं, वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन विद्यमान रहते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, कार्बन तथा हाइड्रोजन विद्यमान रहते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग इंग्लिश में भी हाइड्रोकार्बन्स ही कहते हैं, ठीक। यानी कि सर आपने बोला ये कि, है ना,
ऐसा यौगिक है ना, ऐसा यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिनमें सर केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, फिर से नोटिस नोट किया जाए कि सर केवल कार्बन और हाइड्रोजन क्या, हाँ ओनली ओनली केवल कार्बन और हाइड्रोजन क्या सर, हाँ इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके अलावा कोई भी तत्व नहीं होना चाहिए। तो ऐसे यौगिकों को हम सर क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं सर, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, हाई स्कूल में एक चैप्टर होता है कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। तो कार्बन तथा उसके यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है ना। तो वहाँ से हल्का फुल्का हमें कार्बन के बारे में आइडिया रहता है, ठीक, लेकिन मैं आपको जीरो से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, यानी कि सर जितने भी हाइड्रोकार्बन है उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं होता है, कुछ और एलिमेंट नहीं होता है, हाँ नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे सर CH4, CH4 को हम मीथेन बोलते हैं, मीथेन गैस होती है, ठीक है। CH4 केवल कार्बन केवल हाइड्रोजन है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ C2H6, ये आपने हाई स्कूल में नाम सुना है ना, CH4 C2H6 ये सब, है ना, मीथेन इथेन C2H6, है ना। ये तो फिलहाल एग्जाम्पल के लिए ही हो गया, यानी कि सर जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं है ना उनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन ही होगा। ठीक, अब हम यहाँ आते हैं, और जो भी कार्बनिक यौगिक हैं वो हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न हैं, है ना। मतलब कि हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन में चेंज करके जो नया यौगिक बनेगा उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न। हाँ जी, चलिए अब इस पर हम आते हैं, अब यहाँ पे आ जाओ। यानी कि सर जो भी हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन यानी कि CH4, यानी कि सर CH4, है ना। अब हमें 10th क्लास से थोड़ा बहुत आइडिया है कि कार्बन की संयोजकता ना सर चार होती है। कभी नाम सुना आपने वैलेंसी का, है ना, सुना है ना, हाँ संयोजकता, ना किसी का नाम लग रहा है सर। कार्बन की वैलेंसी ना, संयोजकता ना चार होती है, यानी कि सर कार्बन केवल चार आदमी के साथ जुड़ सकता है, कार्बन चार बंध बना सकता है। ठीक है, तो ऐसे हो गया CH4। CH4 सर एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये सर क्या है, हाइड्रोकार्बन है। मैं लिख दूँ क्या, लिख देता हूँ हाइड्रोकार्बन, ठीक, कार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन, यानी कि सर हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन में चेंज करके क्या बनने वाला है, हाइड्रोकार्बन में हम चेंज करके कोई नया यौगिक बना दे तो उसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न। यानी कि मान लो यहाँ से किसी हाइड्रोजन को हटा दे, है ना, है ना। तो आपके समझाने के लिए है, ये लिखा है माइनस, माइनस मतलब हटा देना, ठीक है, एंड इसकी जगह कोई हम हैलोजन जोड़ दे, हैलोजन, ठीक है, हैलोजन क्या करें हम जोड़ दें। इस प्लस का मतलब क्या है ना, एडिशन, है ना, एडिशन, है ना। और एक्स के आगे ये क्या है, एक्स के आगे बंद है, हैलोजन बोला ना, हैलोजन, हैलोजन की वैलेंसी वन होती है ना, वन होती है, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, तो सर मैंने क्या किया कि इस CH4 में से ना किसी एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह मैंने एक्स लगा दिया, ठीक है, एक्स लगा दिया। आप यहाँ पर देखो, किसी एक को हटा दिया, एक्स लगा दिया, ठीक है, मैं थोड़ा सा आराम से चल रहा हूँ, ठीक, ये बन गया। ठीक, इसका मतलब कि सर ये आपने बोला कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं और उसके जो डेरिवेटिव है, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं हम डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न, तो ये व्युत्पन्न है। ये क्या है सर, ये है व्युत्पन्न, है ना, हम बोलते हैं ये इसका व्युत्पन्न है ना। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स और जो उसके डेरिवेटिव है इनको ही हम मिलाकर क्या बोलते हैं सर, कार्बनिक यौगिक, क्या बोलते हैं सर, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। ठीक, तो हमने लिखा सर कार्बनिक यौगिक की हमने परिभाषा लिख ली, ठीक, हमने यहाँ तक लिख लिया। ठीक, अब देखिए जहाँ पर कार्बनिक यौगिक लिखे हो गया अपना, कार्बनिक यौगिक की परिभाषा है ना, जहाँ आपने आपने कार्बनिक यौगिक लिखा है उसी में आप एग्जाम्पल करके ये लिख लो, ये पार्ट लिख लो। ठीक है, मैंने कार्बनिक यौगिक के बाद हाइड्रोकार्बन्स लिखवा दिया था, हाइड्रोकार्बन्स लिखवा दिया था, ठीक है, ये चीज़ है ना। यहाँ पर अगर हाइड्रो, अगर ये कार्बनिक यौगिक में थोड़ी सी जगह बची होगी तो उसी के नीचे आप ऐसे लिख लो, ऐसे बना के लिख लो, ठीक है, ऐसे बना के लिख लो, मतलब कि ये बना लो सीन, है ना, मतलब कि CH4 एक हाइड्रोकार्बन था, एक H को हटाया, वहाँ पे हमने X लगा दिया, X लगा दिया, तो ये हाइड्रोकार्बन था। अब हाइड्रोकार्बन से नया बनने वाला एक ये यौगिक है जिसे हम क्या बोलेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। तो सर हाइड्रोकार्बन तथा उसका व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, इन्हें हम सर क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। सर क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, समझ में आ गया, ज़रा आप इतना करें, इतना बनाएं आप, है ना, जो मैंने बताया ये चीज़। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए,
तो सर इतना समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन्स तथा उनके व्युत्पन्नों को हम क्या बोलते हैं सर, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक, तो मैं रफ करता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो हमने इतना लिख लिया। चलिए अब आगे लिखिएगा हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम लोग। ठीक है, कार्बनिक रसायन। एक एक करके हम लोग चीज़ों पे आ रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक क्या था सर? था वही चीज, थोड़ा सा है ना पढ़ने का अलग तरीका ये चीज। ठीक, अभी अभी हमने पढ़ा कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, हमने हाइड्रोकार्बन भी पढ़ लिया। ठीक है, और डिटेल से चीज़ों को समझ भी लिया। ठीक, हेडिंग लिखिएगा कार्बनिक रसायन। ठीक, इसमें लिखिएगा, हम मैं एक एक करके स्टेप वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा पॉइंट से पॉइंट करके। ठीक है, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत है ना, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिक ब्रैकेट में कार्बनिक यौगिक जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिक ब्रैकेट में कार्बनिक यौगिक के आगे से लिखेंगे हम के गुणधर्म कॉमा लगा के है ना संरचना गुणधर्म कॉमा संरचना कॉमा संगठन गुणधर्म कॉमा संरचना कॉमा संगठन तथा इनकी अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं तथा इनकी अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो देखिए पहले हमने समझा कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो हमने ये पढ़ा कि सर हाइड्रोकार्बन्स तथा उनके व्युत्पन्नों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन हमेशा होना ही चाहिए, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन होगा तभी हम उसे क्या बोलेंगे सर, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन होता है तो उसे हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। हाँ ठीक, अब कार्बनिक यौगिक के लिए हाइड्रोकार्बन होना चाहिए या फिर उसका व्युत्पन्न हो, यानी कि हाइड्रोकार्बन में हम चेंज करके अगर कोई नया यौगिक बनाते हैं तो उस यौगिक को तथा हाइड्रोकार्बन को इनको ही मिलाकर हम क्या बोलते हैं सर, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सर कार्बनिक रसायन क्या है? इसका कार्बनिक रसायन यानी कि सर रसायन विज्ञान की एक अलग से शाखा है। ठीक है, हम जानते हैं कि सर केमिस्ट्री की बहुत सारी शाखाएँ होती है जिनमें से तीन शाखा हमें 11th 12th के लिए पढ़नी रहती है। ठीक है, जिसमें सर नाम क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है ना, भौतिक रसायन, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, अकार्बनिक रसायन, फिर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। ठीक है, यानी कि सर मुझे फिलहाल 11th 12th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ये तीन टाइप की केमिस्ट्री पढ़नी रहती है। अब उसमें से इस ऑर्गेनिक वाली केमिस्ट्री को एक अलग ब्रांच बना दी गई है, यानी कि सर कार्बन के यौगिकों को पढ़ने के लिए एक अलग से ब्रांच है ना, हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ने के लिए अलग से ब्रांच है, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करने के लिए एक ब्रांच ही अलग कर दी गई। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन के बहुत ज़्यादा यौगिक हैं, कार्बन के लगभग मिलियंस में यौगिक है ना, कार्बन के लगभग लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बहुत ज़्यादा यौगिक है ना, इस वजह से इनको एक अलग शाखा में पढ़ते हैं हम, है ना। अच्छा, इतने ज़्यादा यौगिक होने का रीज़न भी क्या है, क्या रीज़न है ना, हाई स्कूल में हम ये सब पढ़ते हैं है ना, वो सब बेसिक वाली बातें चल रही है। ठीक, तो मैं यहाँ पर फिर से आता हूँ कि देखिए कार्बनिक रसायन का मतलब क्या है सर, कि हम कार्बन के यौगिक को पढ़ने वाले हैं है ना, मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिक को पढ़ते हैं, है ना। तो सर मैं इस चीज़ को फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि आप ये सब पढ़ रखे हो, है ना, यानी कि सर इसमें हम कार्बन के यौगिक को पढ़ते हैं। ठीक है, उनके यौगिक का अध्ययन करते हैं, कार्बन के यौगिक क्या होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, जो भी हमने पढ़ा है ना। अब इन यौगिकों का पूरा अध्ययन कि इनके गुणधर्म यानी कि सर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, भौतिक जो गुणधर्म होता है वो
रासायनिक गुणधर्म होता है उसके बारे में, संगठन के बारे में कि किसी यौगिक में कितने परमाणु होंगे है ना, और किसी है ना पदार्थ में कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने परमाणु होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं ठीक है, और इनका संरचना क्या होगा ठीक है, एंड इनकी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जितना भी हम कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, जितना भी अध्ययन लेंगे, ये सारा किसके अंतर्गत आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है ठीक है। चलिए तो यहाँ से फिर सर दो सवाल बनता है कि कार्बन के इतनी ज़्यादा संख्या में यौगिक क्यों हैं है ना, कार्बन के इतनी ज़्यादा संख्या में यौगिक होने की वजह से ही कार्बन के यौगिकों को हम अलग से ब्रांच में पढ़ते हैं, कार्बन है ना, कार्बन के लिए एक अलग से शाखा बनाई गई है ठीक है, जिसका सर नाम क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है, अब देखते हैं, अब इस पे आते हैं कि क्या रीज़न है ना कार्बन के यौगिकों के बृहत संख्या में होने का कारण। अब अगली हेडिंग लिखेंगे कार्बन के यौगिकों के है ना। अब देखिए स्टार्टिंग ही कुछ बातें ना हाई स्कूल की, जिस बच्चे ने बहुत ही अच्छे से हाई स्कूल पढ़ा होगा है ना, जिसमें से जो कार्बन वाला जो चैप्टर है उसको अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो वो थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा होगा, लिंक कर पा रहा होगा ठीक है। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, 11 से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं हर एक बेसिक चीज़ को उठाकर बहुत ही जीरो से बहुत ही खतरनाक लेवल तक है ना, खतरनाक लेवल यानी कि जितना भी अपने NCERT में जितना भी अपने सिलेबस में उसको हम कवर करेंगे और एक एक छोटी छोटी बातों को हम समझते चलेंगे और उसको लिखते चलेंगे। तो इसलिए आप कोई भी लेक्चर मत छोड़ें है ना, मत छोड़ें है ना, अगर आपको समझ में आना है, अगर आपको 12वीं समझनी है तो आप 11th को मत छोड़ें, यही 12वीं की यही जान है ना, इसको आप अपने दिल में दिमाग में हर जगह बैठा के रखें, इसी को अपना गर्लफ्रेंड बना ले हाँ जी। तो कार्बन के यौगिकों के बृहत संख्या में ठीक है होने का कारण ठीक है। तो काफ़ी बड़ी हेडिंग ठीक है, हेडिंग लिखिएगा है ना, रीजन फॉर है ना एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इंग्लिश में आप लिख सकते हो रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ आप चाहो तो उसको मत लिखो है ना, कोई मतलब नहीं है मैं बोल दे रहा हूँ है ना, कहने का मतलब ये है कि है ना कार्बन के यौगिकों के है ना ज़्यादा नंबर में होने का रीज़न क्या है ना, रीज़न फॉर है ना एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि कार्बन के इतनी ज़्यादा संख्या में यौगिक क्यों हैं, कार्बन की इतनी ज़्यादा संख्या में यौगिक क्यों हैं, उसका सर क्या कारण है। हाँ कारण आप जानते हो श्रृंखलन, इसको सर बोलते हैं हम कैटिनेशन है ना। तो श्रृंखलन के गुण की वजह से कार्बन के इतनी ज़्यादा संख्या में यौगिक हैं, इतनी सर कितनी, लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा है ना, हर साल नए नए कार्बनिक यौगिक खोजे जाते रहते हैं है ना, मतलब करोड़ों से ज़्यादा, लाखों से ज़्यादा है ना, ऐसे लाखों करोड़ों से ज़्यादा ये चीज़। तो सर मैंने ये लिखा कार्बन के यौगिकों के बृहत संख्या में होने के कारण है ना, अब इसके अंदर हेडिंग लिखिएगा श्रृंखलन, क्या लिखेंगे सर श्रृंखलन के गुण की वजह से कार्बन के बहुत ज़्यादा यौगिक हैं है ना। अब ये श्रृंखलन का मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं ठीक है। तो हेडिंग लिख लिया श्रृंखलन, इसमें लिखिएगा है ना किसी तत्व के परमाणु के इसमें लिखेंगे हम लोग लिखिएगा किसी तत्व के परमाणु के है ना एक दूसरे के साथ किसी तत्व के परमाणुओं के किसी तत्वों के परमाणुओं के एक दूसरे के साथ स्थायी सहसंयोजक आबंध किसी तत्वों के परमाणुओं के एक दूसरे के साथ स्थायी सहसंयोजक आबंध है ना आबंध बनाकर ठीक है सीधी श्रृंखला तथा चक्र बनाने का गुण
सीधी श्रृंखला, पास श्रृंखला, सीधी मतलब क्या है, स्ट्रेट, STRAIGHT, है ना। सीधी श्रृंखला का मतलब चेन से होता है ना। सीधी श्रृंखला, पास श्रृंखला तथा चक्र बनाने का गुण, तथा चक्र बनाने का गुण श्रृंखलन कहलाता है। सर फिर से एक बार, हाँ, किसी तत्व के परमाणुओं को, किसी तत्व के परमाणुओं के एक दूसरे के साथ स्थायी सहसंयोजक बंध बनाकर, किसी तत्व के परमाणुओं के एक दूसरे के साथ स्थायी सहसंयोजक बंध बनाकर सीधी श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला तथा चक्र बनाने का गुण श्रृंखलन कहलाता है, तथा चक्र बनाने का गुण श्रृंखलन कहलाता है ना। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं, कोई भी तत्व है ना, उस वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। मैं अभी आता हूँ, इसको सर बोलते हैं स्ट्रेट चेन, इसे बोलते हैं हम लोग साइड चेन। आप इससे आपको आइडिया लगेगा है ना। साइड चेन को हिंदी में बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन। इसे हम बोलते हैं सर साइकिल, है ना, साइकिल। क्या बोलते हैं सर, साइकिल, ये चीज़। ठीक, अब आप देखो, किसी तत्व का आपस में ही सहसंयोजक बंध बनाना। अब देखिए, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सब सहसंयोजक बंध बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। आपने पढ़ रखा है वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, है ना। तो जो सहसंयोजक बंध वाली कैटेगरी है, यानी कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरे कार्बनिक रसायन में जितने भी यौगिक होंगे उसमें ज़्यादातर, लगभग 95% से ज़्यादा जो बंध बनेंगे वह सहसंयोजक बंध ही बनते हैं, सहसंयोजक बंध ही बनता है। यानी कि सर कार्बन कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंध होता है, ये हम जानते हैं 10वीं क्लास से। क्यों जानते हैं, जानते हैं, हाँ, ये चीज़। यानी कि अब कोई परमाणु अपने लिए, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कोई तत्व कौन होगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा, है ना। यानी कि कार्बन का कार्बन से ही, कार्बन का कार्बन से ही, है ना, एक स्थायी सहसंयोजक बंध बनाकर, है ना, यानी कि कार्बन का कार्बन से ही स्थायी सहसंयोजक बंध बनाकर एक सीधी श्रृंखला, है ना, एक पार्श्व श्रृंखला, ठीक है, सीधी सीधी श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला तथा चक्र, तथा चक्र बनाने का गुण क्या कहलाता है सर, श्रृंखलन कहलाता है। ठीक, बेसिकली क्या है, बेसिकली ऐसा है ना कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि चार संयोजक बंध बनाता है ना। कार्बन चार इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो कार्बन के अंदर ये प्रवृत्ति है, कार्बन के अंदर ये प्रवृत्ति है कि कार्बन के कार्बन से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी कि कार्बन के कार्बन से ही बंध बनाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। कार्बन कार्बन से ही बहुत ही आसानी से बंध बना लेता है, ठीक है, जिससे कि वो कार्बन कार्बन से बंध बनाकर एक सीधी श्रृंखला बना सकता है। सीधी श्रृंखला यानी कि सर स्ट्रेट चेन। कार्बन कार्बन से ही बंध बनाकर एक साइड चेन बनवा सकता है, यानी कि पार्श्व श्रृंखला। देखो आप, सीधी श्रृंखला, इसके साथ और बंध, यानी कि पार्श्व श्रृंखला। कार्बन कार्बन के साथ ही जोड़ करना एक चक्र बना सकता है, चक्र यानी एक बंध, एक बंद लूप बोलते हैं हम, जिसमें कोई रास्ता खुला ना हो। देखो आप, पूरा बंद है ना, ये क्लोज पाथ है ना, एक बंद वाला पाथ, बंद हो, इसे हम बोलते हैं चक्र, ठीक। अब कार्बन की संयोजकता चार होती है, तो उसके साथ हमें चार, है ना, चार बंद दिखाना है, चार सहसंयोजक बंद दिखाना है। तो सर देखो, 1 2 3 4 चार सहसंयोजक बंद, है ना, याद देख लो आप, हर कार्बन के लिए चार बंद होना चाहिए और ये बंद एक सहसंयोजक बंद होगा, क्योंकि कार्बन के कार्बन में आपस में सहसंयोजक बंद बनता है, ठीक है, इसलिए। अब देखिए, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन सिंगल बंद होता है, हाइड्रोजन एकल बंद होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी वन होती है, यानी कि हाइड्रोजन एक बंद बनाता है। अब ये देखो, एक एक संयोजकता खाली है, है ना, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बहुत ही आसानी से बंद बना लेता है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन अपना एक देगा, तो वहाँ पर साझेदारी हो जाएगी। इसीलिए कार्बनिक यौगिक में कार्बन है तो हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पर सर सिंगल बंद है ना, यानी कि सिंगल बंद वाली, सिंगल संयोजकता वाला कोई भी तत्व आ सकता है जिसमें से कार्बन बहुत ही ज़्यादा आसानी से, है ना, क्या मैं बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा आसानी से कार्बन के साथ बंद बनाता है। यानी कि सर अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन भी है, कार्बन है तो हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया, यानी कि सर मुझे समझ में आ गया, ये सीधी श्रृंखला है, ये पार्श्व श्रृंखला है, ये चक्र श्रृंखला है, यानी कि कार्बन की लगभग करोड़ों में संख्या में, है ना, कंपाउंड्स हैं, इतने यौगिक हैं, उसका रीजन सर क्या है, श्रृंखलन, है ना। श्रृंखलन का मतलब सेम सेम तत्वों का खुद से ही, है ना, स्थायी सहसंयोजक बंध बनाने की टेंडेंसी।
ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो फिलहाल हमने कुछ बेसिक चीज़ें अभी तक समझी कि कार्बनिक रसायन क्या होता है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है ना, वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है, पहला लैब में बना ऑर्गेनिक कंपाउंड ही यूरिया था है ना, एंड किस तरीके से है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले बोला गया जो कि जीवधारियों से मिलते हैं ना, बाद में वो सब हट गया, तो जो है ना आधुनिक परिभाषा है उसके अनुसार क्या है। ठीक, तो इतना कुछ सुनते सुनते हमें थोड़ा बहुत कार्बनिक रसायन का एक आइडिया मिल चुका है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको ये सब क्लियर है कि यहाँ पर है ना संयोजकता जो होती है इसकी चार है। ठीक है, ऐसे चार है ना, तो आप मैंने डेफिनेशन लिखवा दी, आप एग्जांपल करके इसको लिख लें है ना, स्ट्रेट चेन साइड चेन साइकिल। ठीक है, ठीक तो लिख लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक आता है कि हम कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए कार्बनिक यौगिक बहुत ज़्यादा नंबर में है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए अब कि कार्बनिक यौगिक का रिप्रेजेंटेशन यानी कि निरूपण है ना, कार्बनिक यौगिक को हम कैसे प्रदर्शित करें, तो अलग अलग विभिन्न विभिन्न तरीकों से हम कार्बनिक यौगिक का निरूपण यानी कि प्रदर्शन करते हैं, उनमें से बहुत सारे मेथड्स हैं है ना, अब अलग अलग मेथड एनसीईआरटी में यूज़ होते रहते हैं, तो क्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ है ना, एंड ये निरूपण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए, क्योंकि कोई भी निरूपण अपने एग्जाम में यूज़ हो सकता है ना, एंड किसी भी निरूपण को हम दिखा दिखा कर कार्बनिक यौगिक को क्या करते हैं सर, हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम मिलते हैं इसको साफ़ करने के बाद। ठीक है, हाँ जी, चलिए तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कार्बनिक यौगिक का हम निरूपण करेंगे, कैसे उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इनके कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, और बाद में हमें किस मेथड का यूज़ करना है बार बार। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आपको फील आएगी, बहुत ही है ना जहन में आपके उतरेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो हाँ जी गुरु जी चालू करें। तब बोलते हैं सर कार्बनिक यौगिकों का निरूपण। ठीक है, तो सर मैंने बोला, आपने बोला कार्बनिक यौगिकों, मेरे साथ आप लिखते रहे ना, जब मैं हेडिंग लिखूँ तो आप लिखते रहे, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मेरे साथ बैठे हुए और लिख रहे हो है ना, तो कार्बनिक यौगिकों का निरूपण। अब कुछ है ना कुछ खतरनाक हिंदी हो सकती है ना, जैसे आप लगे ये क्या है, निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन, कैसे आप दिखाओगे है ना, शुद्ध अपनी देसी भाषा दिखाना। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों का निरूपण अगर हम अंग्रेजी में बोले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इंग्लिश वाला नाम भी आप ध्यान रखें। अब देखिए जो अभी हम पढ़ेंगे ना स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर्स में, पाँच छः लेक्चर्स में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इस कार्बनिक रसायन को समझने के लिए, आने वाले चैप्टर्स को समझने के लिए, और साथ ही साथ ट्वेल्थ के चैप्टर्स को भी समझने के लिए, क्योंकि ट्वेल्थ का बोर्ड होता है ना, लेकिन जो ट्वेल्थ की चीज़ें हैं वो जब ये समझे नहीं रहेंगे ना तो ट्वेल्थ में कुछ समझ में नहीं आने वाला है, तो सारी समझदारी वाली बातें यही होंगी। ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि सर कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कौन कौन से हैं सर, पहला बात करता हूँ मैं, एक एक करके आपको लिखवाऊँगा समझाता जाऊँगा। ठीक है, जो पहला रिप्रेजेंटेशन है मतलब जो पहला तरीका है कार्बनिक यौगिक को दिखाने का, उसे हम बोलते हैं आणविक सूत्र है ना, ये हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम है क्यों, हाँ जी आणविक, क्योंकि सर आप इंग्लिश मीडियम से थे क्या, नहीं हम हिंदी मीडियम से ही थे लेकिन हिंदी भूल गए आप, आणविक सूत्र। ठीक है, तो आप सूत्र में बड़ा हुआ। ठीक, तो सर जो पहला रिप्रेजेंटेशन है ना उसका नाम है आणविक सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि सर मॉलिक्यूलर, ठीक है लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसे हम MF बोलते हैं अगर मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहा होता तो, यानी कि MF, अब हिंदी में हम पढ़ेंगे आणविक सूत्र। ठीक है, तो पहला रिप्रेजेंटेशन जिसे हम बोलते हैं आणविक सूत्र है ना, इसमें लिखिएगा है ना, इस निरूपण में क्या लिखिएगा, इस निरूपण में पहले आप ये हेडिंग लिखिएगा, फिर पहले हेडिंग, फिर लिखना स्टार्ट। ठीक है, इसमें लिखिएगा आप, इस निरूपण में कार्बनिक यौगिकों को
रिपीट है ना, रफ रफ फिर से बोल रहा हूँ, है ना, लिखिएगा। हाँ, इस निरूपण में कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, इस निरूपण में कार्बनिक यौगिक में उपस्थित है ना परमाणुओं, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणुओं, परमाणु है ना, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु तथा परमाणुओं की संख्या, परमाणु तथा परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, परमाणु तथा परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, मतलब कि मैंने क्या बोला, इस निरूपण में कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु तथा परमाणुओं की संख्या को है ना निरूपित किया जाता है ना। देखिए, सबसे ज़्यादा सामान्य, मोस्ट कॉमन जो मेथड है, जो सबसे ज़्यादा सामान्य तरीका है ना किसी भी यौगिक को दिखाने का, वो है आणविक सूत्र, है ना। यानी कि अभी तो हम कार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं, अगर कोई अकार्बनिक यौगिक हुआ तो उसके लिए भी हम आणविक सूत्र ही दिखाया करते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है ना, देखो अभी हमने पढ़ा था CH4, ये जो दिखाने का मेथड है सर, जो आप CH4 लिख डालें, इसी को हम सर बोलते हैं आणविक सूत्र। ठीक, अब देखिए, इस सूत्र को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि मेरे पास CH4 का एक अणु है ना, मतलब कि CH4 यानी मीथेन है ना, मीथेन यानी मीथेन का अपने पास एक अणु है, एक अणु है। ठीक है, यानी कि इस प्रदर्शन में, इस रिप्रेजेंटेशन में मुझे ये दिखता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी कार्बनिक यौगिक का कितने अणु में कितने परमाणु हैं, है ना, कितने अणु में कितने परमाणु। CH4 का मतलब सर एक अणु, इसके एक अणु में सर है ना एक तो कार्बन परमाणु है सर, एक तो कार्बन परमाणु है ना, एंड चार हाइड्रोजन परमाणु है, एंड सर चार हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक, तो इस प्रकार के प्रदर्शन को सर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, आणविक सूत्र। ठीक सर, एक अणु कैसे, अगर दो अणु होता तो हम ऐसे लिखते CH4 के आगे, ये दिखाता अणुओं की संख्या। अब सर क्या हो गया कि मीथेन का दो अणु है, मीथेन का सर दो अणु है। ठीक है, अब दो अणु में कार्बन के कितने परमाणु, दो से अंदर गुणा करके, तो दो का सी में गुणा होगा, अभी यहाँ पर एक है, इस एक को हम नहीं दिखाते हैं, वन है, एक है, तो वन को दिखाते नहीं हम, है ना, टू वन या टू, यानी कि सर टू कार्बन के परमाणु है ना, और परमाणुओं से तो मिलकर अणु बनता है, तो परमाणु से मिलकर अणु बन गया है ना, एंड टू फोर या एट, दो चौक को आठ, और आठ हाइड्रोजन के परमाणु है ना। तो बहुत ही सामान्य तरीका है जिसे हम बोलते हैं आणविक सूत्र। इस सूत्र से ये पता चलता है कि किसी यौगिक में कितने नंबर ऑफ परमाणु हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं है ना, और कितने अणु हैं, बस सिंपल सा ये। इसका इतना यूज नहीं होता है ना, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन का। ठीक, समझ में आ गया। तो सर इसका एक अणु है ना, एक अणु में एक कार्बन परमाणु और चार हाइड्रोजन परमाणु, एंड परमाणुओं से मिलकर अणु बन रहा है। ठीक है, ये चीज़। एंड यहाँ पर सर टू सी एच फोर मतलब का मीथेन का दो अणु, जिसमें से दो कार्बन परमाणु, दो दो चौकू आठ, यानी सर आठ हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई इनऑर्गेनिक वाला यौगिक हो जैसे H2O, अब देखिए H2O एक कार्बनिक यौगिक नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक के लिए कार्बन तथा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तो H2O, H2O तो वाटर है ना, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक अकार्बनिक वाला यौगिक है ना। लेकिन यहाँ भी आपको पता है कि ये एक अणु है, H2O के एक अणु में है ना दो हाइड्रोजन परमाणु है, क्यों, और सर एक ऑक्सीजन परमाणु है ना। तो सिंपल सा ये वाला तरीका, इसे हम सर क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र। दो हाइड्रोजन परमाणु और एक सर ऑक्सीजन परमाणु, इसे हम बोलते हैं सर आणविक सूत्र। ठीक है, चलिए, इसमें बहुत ही कुछ बड़ी बात नहीं थी। अब बात आई, अगला लिखिएगा आप, जिसका नाम है सर ग्राफिक सूत्र, ग्राफिक सूत्र। ठीक है, ग्राफिक सूत्र, ठीक है, इसका नाम है सर ग्राफिक फार्मूला, ग्राफिक फार्मूला, फार्मूला। ठीक है जी, ग्राफिक फार्मूला। ठीक, इसमें लिखिएगा आप, है ना, पहला रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा ग्राफिक फार्मूला, इसमें लिखिएगा, है ना। इस प्रकार के
निरूपण में, इस प्रकार के निरूपण में है ना, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित इस प्रकार के निरूपण में कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन कार्बन आबंध, जब भी मैं ऐसा बोलूं तो आपको ऐसे लिखना है, कार्बन कार्बन आबंध तथा कार्बन हाइड्रोजन आबंध को प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार के निरूपण में है ना, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन कार्बन आबंध तथा कार्बन हाइड्रोजन आबंध को प्रदर्शित किया जाता है यानी कि इस प्रकार के प्रदर्शन में, इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में है ना, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित जितना भी सीसी बंध है, जितना भी कार्बन कार्बन बंध है और जितना कार्बन हाइड्रोजन बंध है, उनको दिखाया जाता है बाकायदा कि उनके बीच में कौन सा बंध है। अब हमें तो पता है ना, सीसी के बीच में सिंगल बंध हो सकता है, डबल बंध हो सकता है, ट्रिपल बंध हो सकता है ना, और सी और एच के बीच में सिंगल बंध हो सकता है क्योंकि एच की वैलेंसी वन होती है। ठीक, समझाता हूँ मैं आपको। देखो आप, ये लिखा है तो मोलिकुलर फॉर्मूला है, इसी को मैं अभी ऐसे लिख दूँ, CH, 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 ठीक है, ऐसे। इसमें तो एक ही कार्बन है तो कार्बन एक ही था, मुझे अगर दो कार्बन रखना हुआ तो ऐसे, ठीक है। तो देखो आप, H, 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 तो जो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये जो प्रदर्शन है, निरूपण है, जहाँ पे हम CC सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, सभी बंधों को दिखा दे रहे हैं, इसे सर हम बोलते हैं ग्राफिक फार्मूला। हालांकि ये इतना यूज नहीं होता है, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखने लगे ना यौगिक को तो पूरी कॉपी हमारी भर जाएगी। ये इतना ज़्यादा, हम क्या बोल सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये इतना ज़्यादा आसान नहीं करता हमारी ज़िंदगी को। तो हम वो रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही सरल हो, आसान हो हमारे समझने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप देखो, अब हमें पता है कि सर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, क्यों डबल बॉन्ड हो सकता है ना, तो आपको समझ में आ रहा है। अगर इसका मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना होता तो C2H6 लिखा था ये, है ना। देखो, दो कार्बन, छः हाइड्रोजन, C2H6 क्या होता सर, आणविक सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो, मैं जरा आपको समझाऊँ, अगर मुझे कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध रखना है एंड कार्बन की संयोजकता चार होती है, तो सर मुझे यहाँ पर दो बंध दिखाना पड़ेगा, ठीक है, एंड यहाँ पर दो बंध दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे 1H H, अब ये तो आप पता है ना, हाई स्कूल से हम जानते हैं ना कि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी चार, मैक्सिमम क्या, चार ही होती है, इससे ऊपर नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, चार संयोजकता होती है कार्बन की, पता है। तो ये जो प्रदर्शन है जहाँ पे हम सीसी बंध को दिखा रहे हैं, सीसी बंध को दिखाया, सीएच बंध को दिखाया, इसे ही सर हम बोलते हैं ग्राफिक फार्मूला, ठीक है। आपके लिए मैं एक और बता दूं, मान लीजिए अगर मुझे कार्बन के बीच में ऐसे ट्रिपल बंध दिखाना होता, ठीक है, तो क्या हम ऐसे दिखा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, CH, 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 अब देखो कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड, तो तीन इधर हो गया सर, अभी नहीं है, फिर से बनाओ, हाँ, तो 1, 2, 3 सर, इधर 3, इधर 1, 3, 1, 4, किसी भी हाइड्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं है सर, यहाँ पर 3 एंड यहाँ से 1, 4, चार वैलेंसी कंप्लीट है ना, चार संयोजकता कंप्लीट। लेकिन सर यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ तो लिखो आप, वहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक। तो जो ये प्रदर्शन है जहाँ पे हम सीसी बंध दिख रहे हैं, सीसी बंध, सीएच बंध, सभी बंधों को खोल कर दिखा दिए, इसे सर बोलते हैं हम ग्राफिक फार्मूला, ठीक है। तो मैंने आपको बोला नहीं था क्या, हाँ, तो आणविक सूत्र लिखने के बाद ये आप एग्जांपल लिख लेना, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आप समझदार हो चुके हो। आणविक सूत्र लिखने के बाद है ना, ये एग्जांपल लिखना था आपको, ये लिखना था भाई, लिखना था, सकल ना, देखो ये एग्जांपल लिखना था, उसके बाद मैंने आपको बोला ग्राफिक फार्मूला, तो मैंने डेफिनेशन लिखवा दी बोल के। डेफिनेशन अपने पेपर में नहीं आएगी है ना, अपने पेपर में ये प्रेजेंटेशन कैसे यूज होता है, जो स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे ना, इसका हमें यूज़ करना है समझने के लिए, ठीक। तो सर मैंने ये बोला आपको, डेफिनेशन लिखवा दी, ठीक है, उसके बाद आप ये एग्जांपल लिख लो है ना, एग्जांपल लिख लो, और ये भी दिखा दो कि इन्हें दिखाया जाता है, इन्हें दिखाया जाता है ना, फिर ये आप लिख लो, फिर हम मिलते हैं ना, वीडियो को पॉज करो, ये लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर शायद आपको दिखा नहीं था ना, सी के बाद एच लिखा था ना, ट्रिपल बॉन्ड सी के बाद एच, ठीक, उतना आप समझदार हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, सर तीसरा बताइए है ना, तीसरे का नाम है संरचना सूत्र,
इसे बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना, इसको हम ऐसे बुलाते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, इसमें लिखिएगा है ना, लिखिएगा इस निरूपण में कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, इस निरूपण में कार्बनिक यौगिक में उपस्थित है ना सी एकल बंध सी, इस निरूपण में कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सी एकल बंध सी, यानी कि सी सी आबंध को, वही वाला सी एकल बंध सी 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 आबंध को प्रदर्शित किया जाता है ना, तथा सी एच आबंध को प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तथा सी एच आबंध को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के प्रेजेंटेशन में केवल हम सी सी बंध को दिखाएंगे, सी एच बंध को नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो सर क्या हो जाएगा, अब इसके लिए मुझे कम से कम दो कार्बन की ज़रूरत है। देखो आप, जैसे कि CH3। ठीक है, दिख रहा है, केवल हमें सी सी बंध को ही दिखाया, सी एच बंध दिख रहा है क्या? मुझे पता है सी एच बंध में सी एच के बीच में एक सिंगल बंध होता है ना, केवल सी सी बंध दिखाया। तो ये जो फोटो दिखी आपको, इस फोटो का नाम है सर, इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन का सर नाम क्या है ना, नाम क्या है सर, संरचना सूत्र। ऐसे केवल सी सी बंध को दिखाओ आप, बस सी सी बंध दिखाओ और कुछ नहीं। ठीक है, अब सी सी बंध दिखा कर हम ऐसे सिंगल बंध भी दिखा सकते हैं, क्यों, अगर हम चाहें तो सर क्या सी एच डबल बॉन्ड सी एच ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्यों, समझ आ रहा है कि, हे भाई। ठीक है, तो बस देखिए सी सी बंध दिख रहा है, देखिए कार्बन की चार संयोजकता होनी चाहिए, देखो 1, 2, 3 एंड इस हाइड्रोजन से 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 3, 4, तो कार्बन की चार संयोजकता रखते हुए आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे आप देखो इस तरीके से दिख रहा है सी सी बंध। तो अगर हम केवल सी सी बंध को दिखाएं तो हम सर बोलते हैं संरचना सूत्र, और इस प्रकार के सूत्र का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपने कार्बनिक रसायन में, अपने कार्बनिक रसायन में। तो ऐसे करके मैं बहुत सारा लिख सकता हूँ जहाँ पर केवल सी सी बंध को दिखाया जाए। ठीक है, इस प्रकार से अब इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी लगा दो आप। ठीक, तो ये सर बन गया अपना संरचना सूत्र, यानी कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूला में किसी प्रकार के बंध को नहीं दिखाते हम, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कितने नंबर ऑफ परमाणु है, उससे ये पता चलता है। ग्राफिक फार्मूला में सी सी बंध को दिखाते हैं, सी एच बंध को दिखाते हैं, पूरा खोल के रख देते हैं, और संरचना सूत्र में स्ट्रक्चर फार्मूला में केवल सी सी बंध को दिखाते हैं। ठीक है सर, अगला बताएं, अगला क्या है, अगला है संघनित संरचना सूत्र, संघनित। ठीक है जी, संघनित संरचना सूत्र। ओ मेरे भाई क्या हो रहा है, मैं सोचता हूँ कि वीडियो छोटी बने लेकिन नहीं बनती है, समझाने चक्कर में। तो सर संघनित संरचना सूत्र। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, संघनित संरचना सूत्र। इसमें लिखिएगा इस निरूपण में। ठीक है, अब देखिए आप अंडरस्टूड हो यार, मैं ये आपको बोल के लिखवा दिया, आपको थ्योरी बोल के लिखवा दी, तो आप अपने मन से ये एग्जांपल लिख लें, वीडियो पॉज करके, लो हट जाता हूँ, लो एग्जांपल लिख लो आप, है ना, फिर इस पे आ जाओ आप, इस हेडिंग पे आ जाओ। ठीक है, अब हेडिंग के अंदर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कार्बन की हर जगह चार वैलेंसी होनी चाहिए, अगर भविष्य में कभी मैं गलती से ना लिखूं तो ये आप समझ लेना, ये आप समझ चुके हो, ये मैंने आपको अभी बता दिया कि कार्बन की चार संयोजकता ही होनी चाहिए। ठीक है, गिन लेते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 4 है ना, ऐसे। हाँ जी, इसमें लिखिएगा इस निरूपण में कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, इस निरूपण में कार्बनिक यौगिक में उपस्थित है ना, ना तो
सी सिंगल बॉन्ड सी, ना तो सी सी आबंध और ना ही सी एच आबंध को प्रदर्शित किया जाता है, है ना। इस निरूपण में कार्बनिक यौगिक में उपस्थित ना तो सी सी आबंध है ना तथा ना तो सी एच आबंध को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक सर, बहुत ही आसान। यहाँ पर सी सी आबंध को दिखा रहे थे, सी एच को नहीं दिखा रहे थे, है ना। यहाँ पर ना ही सी सी को दिखाएंगे, ना ही सी एच को दिखाएंगे, है ना, नहीं दिखाएंगे। क्या है अब एन सी आर टी को बहुत पसंद है ये NCERT, है ना। NCERT इसके साथ बहुत ही गंदा गेम खेलता है, मतलब जब भी वो क्वेश्चन देता है तो वो स्ट्रक्चरल फार्मूला में ना लिख कर ऐसा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिख के देता है, CSF यानी कि संघनित संरचना सूत्र में लिख के देता है। तो इसी वजह से मुझे रिप्रेजेंटेशन का ना निरूपण का अच्छा आइडिया होना चाहिए, तो NCERT हमेशा इसी पे गंदा खेल खेलता है। ठीक है ये चीज़। अब देखो भाई साहब, किसी बंद को मत दिखाओ ना, बंद को मत दिखाओ, चिपका के लिख दो इसको, चिपका के। सर कैसे? अब देखो CH3 है ना, बंद को नहीं दिखाया, समझे। अब ऐसे ही देखो आप CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ऐसे चिपका के। सर चिपका के इसको लिखना हुआ तो इसको लिखना हुआ, देखो देखो इस कार्बन से चार CH3 लगा हुआ है। सर ऐसे लिखेंगे हम, है ना, CH3 का होल 4, देखो 1 2 3 4, चार CH3। अब एक कार्बन से लगा तो ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं हम संघनित संरचना सूत्र, ठीक है। और इसको लिखना हुआ तो देखो, इसको लिखना हुआ तो देखो, मैं लिख के बता रहा हूँ। तो इस संघनित संरचना सूत्र का अच्छा खासा आइडिया, CH3 हो गया, अगला C, अगला क्या है सर, सी है, अगला सी है, ठीक। अब इस सी से CH3 टू टाइम्स है, CH3 दो बार है, तो उसे ब्रैकेट में लिखते हैं, CH3 टू टाइम्स है, समझे। देखो CH3 आगे C, CH3 आगे C। अब इस C से CH3 दो बार है, तो CH3 को ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया दो बार, ठीक है। अब इस C से आगे CH2, तो आगे लिखा है सर CH2, फिर आगे लिखा है CH3, आगे लिखा है CH3। इसे बोलते सर हम संघनित संरचना सूत्र, ठीक है, ऐसे। और देखो आप, अब देख रहा है, मैं एक खास बात आपको बताता हूँ। मान लो कभी ऐसे लिखा है, ठीक है, ये एक संरचना सूत्र है, ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो आप समझे, CH3, देखो आप CH2 दो बार था सर, CH2 दो बार था, तो हम CH3 क्या बोलूँ, CH2 का होल ट्वाइस लिख सकता हूँ। देखो आप CH2 होल टू टाइम, है ना। ये लिखने का मतलब यही है, या तो ये दोनों क्या है सर, संघनित संरचना सूत्र है, संघनित संरचना सूत्र है, ठीक है। तो दो बार है तो इसे लिख दो बार, समझ गया। मान लीजिए यहाँ पर कुछ और लिखा होता है, है ना, कुछ और सर कैसे, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले को लिख सकते हो, तो बीच में मुझे डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। देखो उसको कैसे लिखोगे आप, देखो CH3 बॉन्ड नहीं दिखाना है, CH लिख दो, CH, ठीक है, डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर CH सर, ठीक है, फिर आगे CH3, तो आगे CH3, ठीक है। बॉन्ड नहीं दिखाना है भाई, बॉन्ड नहीं दिखाना है। मान लीजिए सर ऐसा लिखा होता CH3 सी से CH3 एच CH2 CH3, है ना, देखो आप ये किस में लिखा है सर, स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखा है, क्योंकि CC बंद दिखा रहा है, केवल CC बंद दिखा रहा है। अब इसमें क्या करना है, किसी भी बंद को नहीं दिखाना है। देखो आप पकड़ो, कैसे पकड़ोगे आप, देखो आप ऐसे पकड़ते हो इस कार्बन से, है ना, ये देखिए ये बाहर के कार्बन से इसको पकड़ो आप, है ना, सेकेंड वाले कार्बन को। तो इस कार्बन से सर दो बार CH3 लगा हुआ है, तो हम सर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे CH3 का होल ट्वाइस, है ना, इस कार्बन से सर दो बार CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब ये कार्बन के साथ सर ये हाइड्रोजन आगे CH2, आगे लिखा है CH2, ये CH2, फिर आगे CH3, फिर आगे ये CH3, ठीक है। मैं इसी को इसमें कन्वर्ट करके आपको समझा रहा हूँ, है ना, यानी कि सर किसी भी कार्बनिक यौगिक को ऐसे लिखा जा सकता है ना, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
यानी कि सर संघनित संरचना सूत्र में भी लिख सकते हैं। इसमें कंडीशन यह है कि बस हमें किसी बॉन्ड को नहीं दिखाना है, किसी बंध को नहीं दिखाना है, ठीक है। और अगर कोई पार्ट रिपीट होता है, ऐसे रिपीट होता है, तो उसको हम होल करके लिख सकते हैं। मान लीजिए सी एच टू चार बार लिखा होता है तो सी एच टू होल फोर लिख देते हैं हम, ठीक है। और ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, दूसरे कार्बन को पकड़ोगे। अब इस कार्बन से कितने सी एच थ्री लगे हुए हैं, दो लगाए, तो सर कहाँ गया, हाँ तो सी एच थ्री का होल ट्वाइस, दो बार, है ना। देखो ये कार्बन, फिर एच था सर तो एच हो गया, आगे सी एच टू था सी एच टू हो गया, आगे सर सी एच थ्री हो गया, ठीक है। तो बात समझ में आती है। तो संघनित संरचना सूत्र पे अच्छा खासा हमें प्रैक्टिस करना चाहिए ना, प्रैक्टिस करना चाहिए। जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। क्वेश्चंस आते हैं ना, इसको इसमें कन्वर्ट करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। स्ट्रक्चर फार्मूला को आप संघनित संरचना सूत्र में कन्वर्ट करो, ठीक है। प्रैक्टिस करवाऊंगा तो जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा लिखा होता कहीं पे सी एच थ्री सी एच टू, देखो मैं बॉन्ड को दिखा दे रहा हूँ, है ना, बॉन्ड तो उसमें दिखाते हैं ना, है ना, ऐसे लिखा होता सी एच थ्री सी एच टू फोर सी एच थ्री। सर ये लिखने का मतलब क्या है कि सी एच थ्री सी एच टू फोर, यानी कि सर सी एच टू चार बार लिखा है, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू फिर सी एच थ्री, है ना, सी एच थ्री फिर सी एच टू चार बार लिखा है फिर सी एच थ्री। तो सर इसे हम बोलते हैं संघनित संरचना सूत्र, यानी कि कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लिख लीजिए, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी प्रैक्टिस होगी, है ना। मैं आपको बोल रखा हूँ कि इस पे प्रैक्टिस करने की ज़्यादा हमें ज़रूरत है, ठीक, आपके लेवल पे ना, आपको समझने के लिए, ठीक है, ठीक। और हर जगह वैलेंसी कार्बन की चार होनी चाहिए। हाँ जी आगे बढ़े, तो मैंने ये बोला, बोल के लिखवा दिया, है ना, थ्योरी वगैरह। अब आप एग्जांपल लिख लो, आप इतने समझदार हो चुके हो, अब आप एग्जांपल लिख लो, ठीक है, एग्जांपल लिख लो, है ना, इसका इसका मतलब सेम होता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, लिख लिया एग्जांपल, ठीक, आगे बढ़े। मैं एक बार टाइम देखता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक। अच्छी, तो बेसिकली टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, इसके बाद का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम आने वाले टाइम में फिर कार्बनिक यौगिक का हम वर्गीकरण करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बहुत ही आनंद के साथ मज़ा आएगा, ठीक। तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।